सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अभी हम लोग फिर से निकल पड़े हैं हमारी छुटकी के साथ। कहाँ पे बरसाना। अभी बज रहे हैं 5:30 और सर जी तैयार हैं एक नए जर्नी के साथ। कितना है, 1.5 साल बाद ना, 1.5 साल बाद फिर से अपनी छुट्टी को लेकर चल रहे हैं मथुरा वृंदावन। चलिए आप भी हम लोग के साथ दर्शन करिए श्री राधा रानी का। बोलिए राधे राधे। एक लीला आती है कि जन्माष्टमी थी और नंदगांव में ठाकुर जी अटारी पर बैठे थे और सब लोगों से बोले, हाँ भाई अपने अपने पात्र लेके आओ और वह पात्र में मैं लड्डू धर के दूंगा। अब कोई के पात्र इतना सा तो वाकू 2 लड्डू मिले, कोई के पात्र इतने बड़े तो वाकू 10 लड्डू मिले, कोई को पात्र बहुत बड़ा तो वह 20 लड्डू मिले। श्री जी आई ठाकुर जी को जन्माष्टमी की बधाई देवे। तो श्री जी के आते ही मधुमंगल श्रीदामा ये सबरे बोले, श्री जी हमारो लाला देखो तुमने कैसो दानी, देखो सबन के पात्रन में लड्डू भर भर के दे रो है। श्री जी तो कुछ नहीं बोली, प्रसन्न हो गए, हाँ हाँ बहुत दानी है तुम्हारे लाला। ललिता विशाखा बोली, ए मधुमंगल राधाष्टमी पे बरसाने आई हो तब तो दिखाएंगे श्री जी हम। मधुमंगल श्रीदामा बोले, श्री जी क्या करें, बोले राधाष्टमी को आई हो पता चलेगी। तो मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी राधाष्टमी पर बरसाने गए तो बरसाने में क्या देखा, बोले श्री जी बड़े बड़े पात्र दे रही हैं, छोटे पात्रों को ले लेती हैं, बड़े पात्र देती हैं, फिर ललिता विशाखा उनमें लड्डू भर भर के दे रहे हैं। समझ में आई बात। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, तुम्हारो जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो मेरो प्रसाद। लेकिन श्री जी कह रही है छोटे पात्र यहां धरो, बड़े पात्र लो और जितनो बड़ो पात्र मैंने दियो उतने बड़े पात्र में प्रसाद। यह बरसाना की गलियां, हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, छोटा छोटा पहाड़ चढ़ते रहे, हाँ सीधे 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 एक पे हम सीधे वो सामने कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे भाई साहब का गाड़ी जाते हुए आप बढ़ाइए सर, बिजली बंद रहिएगा। बेइज्जती कराओ तू है, चढ़ावा था क्लच छोड़ा, क्लच क्या पकड़ ले, क्लच छोड़ा, हाँ पहला क्लच पूरा छोड़ दीजिए। अभी एकदम खड़ी चढ़ाई है, छुटकी हम लोग की पार्क हो गई है। तो हम लोग जा रहे हैं भाई रोड, थोड़ा सा ही दूर है, ये आपको भी दिखाते हैं कुछ यू सीन है। अगर आप नीचे से ही आएंगे तो वहाँ से सीढ़ियों के द्वारा आ सकते हैं, ये तो इस रास्ते से आपकी गाड़ी वगैरह बाइक सब ऊपर आ जाएंगी, वहाँ से आप थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है उधर जा सकते हैं। आगे हम लोग लाडो रानी के दरबार में अंदर दर्शन करने जाते हैं, फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं। दर्शन हो गया हम लोग का। आज तू तो क्या भाई मंदिर में आएगा, जूता चप्पल नहीं उतारेगा, नहीं पहनेंगे। तो हम लोग घर से 5:30 निकले थे ना, वो 5:30 निकले थे, यहाँ पे 8 बजे तक आ गए, 8:45 के लगभग बीच में रुके भी थे हम लोग, तो 2.5-3 घंटा लगा हम लोग को।
यहाँ से प्रसाद लेकर के जाइए सीधे। हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत, वहाँ का भी आपको दर्शन कराते हैं। बने रहिए हम लोग के साथ। सर जी क्या हाल है? श्री राधे राधे। इनका यहाँ पहली बार था, मेरा दूसरी बार था। मजा आ गया दर्शन। अब ये यहाँ पे तब आएंगे जब अपनी वाली लाएंगे। जब ये अभी जोड़े में आएंगे, अभी भी जोड़े में है, अब लीगल जोड़े में आएंगे। ये यहाँ का गेट है बरसाना का, ये सीधे रास्ता जाता है और यहाँ पे कचौड़ी मिलती है, यहाँ की फेमस है। अभी भी काफी भीड़ लगा हुआ है, अभी वहाँ पे तला जा रहा है, तलने के बाद को मिलेगा। हम लोग उसी के इंतजार में हैं। पूजा हो गया, अभी पेट पूजा के बाद फिर चलेंगे आगे। मत लेना कुछ झाड़े टेस्टी नहीं है, ऊब गए हम लोग। एक तो खाने में, दूसरा खा रहे हैं, ज़्यादा टेस्टी नहीं है। गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग आए गोवर्धन पर्वत, ये देखिए आप। बोला और ये रहा श्री कृष्ण जी ने अपने कानी उंगली पर ये पर्वत उठाया। ये गोवर्धन पर्वत के अंदर का है पर्वत, क्या पर्वत के नाम तो कुछ है नहीं, लेकिन मंदिर है। मंदिर में छोटा सा चट्टान टाइप के है गोवर्धन जी का शेष, और ये बाकी बिहारी हमारे श्री कृष्ण जी। यही चट्टान है। जय हो गोवर्धन बाबा की जय। क्योंकि भीड़ लगी हुई है, मेन रोड पे ही है ये अंदर करा जा रहा है। अभी गोवर्धन जी का भी दर्शन हो गया हम लोग का। अब आज का टूर करते हैं यहीं पे समाप्त, चलते हैं घर। तब तक के लिए शुक्रिया, लव यू जा मासा मैंने, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट माय लवली फ्रेंड। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो भाई चला जाए, हमारी छुटकी फंस चुकी है अंदर, उसको कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। का भी शूटिंग यहीं पर, लगभग कई सारे बॉलीवुड का शूटिंग सरोवर में हुआ है, कृष्ण सरोवर है। टाइम नहीं अपने पास, ये रुक नहीं रहे।